नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम उन खबरों की। लेकिन सबसे पहले बता दें कि आईपीएल लगातार चल रहा है। आईपीएल के 5 मैच पूरे हो चुके हैं और आज आईपीएल का 6ठा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मुकाबला है SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद और RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। देखा जाए तो दो पहलू निकल कर सामने आते हैं। एक तो ये कि आरसीबी टीम जो है विराट कोहली की कप्तानी वाली, ये इसके पहले एक मुकाबला जीत चुकी है। वहीं SRH जो है सनराइजर्स हैदराबाद, वो एक मुकाबला हार चुकी है। तो ये एक जीत और एक हार वाली टीम के बीच में मुकाबला है आज देखने को। काफ़ी दिलचस्प जो ये मुकाबला देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें कई नए चेहरे भी जो हैं आरसीबी और आपका सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा, जिसमें स्पिनर राशिद खान के सामने ग्लेन मैक्सवेल और मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स को चुनौती होगी। हैदराबाद के लिए हर्ष पटेल का सामना करना चुनौती होगी, जिन्होंने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था। हैदराबाद को इस सीजन में पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं बैंगलोर के खिलाफ बेहतर शुरू करने की जरूरत है और उनके पास मौका भी है। इसी के साथ कोलकाता के खिलाफ उसके विकेट जल्द ही गिर गए थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे ने अच्छी साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा था। पिछले सीजन में कप्तान डेविड वार्नर और बेयरस्टो की जोड़ी ने हैदराबाद के लिए सफल साझेदारी की थी, लेकिन पिछले मैच में रिद्धिमान साहा को ओपनिंग के लिए उतारा गया था, जिन्होंने पिछले सीजन में कुछ अच्छी पारियां खेली थी। बेयरस्टो पिछले मैच में नंबर 4 पर खेलने उतरे थे। हैदराबाद के लिए उसकी तेज गेंदबाजी चिंता का विषय है। पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा महंगे साबित हुए थे। कोरोना महामारी में ये आईपीएल शुरू तो हो चुका है, लेकिन लगातार जो है कई जो क्रिकेटर्स हैं वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं आईपीएल में। इसी में एक आरसीबी के प्लेयर जो हैं देवदत्त पडिकल, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आ चुकी है और इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आरसीबी के देवदत्त पडिकल के शीर्ष क्रम में वापसी हो सकती है। पडिकल को पिछले मैच में कोरोना वायरस से रिकवरी के कारण आराम दिया गया था। पडिकल की गैर मौजूदगी में कप्तान विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग करने उतरे थे, जो सफल नहीं हुए। पडिकल ने हाल ही में विजय हजारे की ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके होने से बैंगलोर के बल्लेबाजी क्रम को बहुत मजबूती मिलेगी। हैदराबाद की तुलना में बैंगलोर का स्पिन विभाग कमजोर है। बैंगलोर के लिए युजवेंद्र चहल खराब फॉर्म में चल रहे हैं और उन्हें वापसी करनी होगी। चहल मुंबई के खिलाफ पिछले मुकाबले में विकेट नहीं ले सके थे और उन्होंने 41 रन लुटाए थे। तो ये जो मुकाबला है, एक तरफ एक जीती हुई टीम है, दूसरी तरफ एक हारी हुई टीम है, और ये दोनों टीम्स के बीच में मुकाबला है। आरसीबी भी बहुत तगड़े फॉर्म में देखने को हमें मिल रही है। वहीं SRH को भी एक चांस मिला है, एक मौका मिला है खुद को प्रूव करने का, और ये आईपीएल का 6ठा ही मुकाबला है। ऐसे कई मुकाबले जो हैं वो दिलचस्प होते जा रहे हैं लगातार, और 6ठा मुकाबला भी देखने में बहुत ही दिलचस्प होगा। और आईपीएल की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। आईपीएल से जुड़ी हुई हम आपको हर एक छोटी बड़ी खबर से अवगत कराएंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि आगे से कोई अपडेट आप मिस ना कर पाए। धन्यवाद।